हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम बना रहे हैं चना की सूखी सूखी थोड़ी गीली गीली दाल चने वाली। क्या आपको पसंद है कमेंट में जरूर बताइएगा। और पता है, लाइफ में कुछ भी नहीं रखा है सच में। खाओ पियो, एंजॉय करो। कहते हैं ना, जिंदगी एक पानी के बुलबुले की तरह, पता नहीं कब फूट टूट जाए। तो बस अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, सुबह शाम 30-30 मिनट जरूर टहलें। और अगर आपकी सांस वांस फूलती है तो फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपनी हेल्थ के लिए ना थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें। और चलिए चना दाल बनाना शुरू करते हैं। यहाँ 500 ग्राम चना दाल ली है, 8-10 काली मिर्च है, 5-6 लौंग हैं, दालचीनी के कुछ टुकड़े हैं, थोड़ा सा जायफल, जावित्री, थोड़ा थोड़ा एक बड़ी इलायची, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से। सबको दाल में डाल देना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। 4-5 लाल साबुत मिर्च जिसको बीच से काट लिया था वो भी इसमें डाल दिया। मतलब यहाँ हरी मिर्च का यूज नहीं किया है, सिर्फ लाल मिर्च का यूज किया है इस दाल में। तो ये सब इसमें डाल दिया, 2 तेज पत्ता डाल दिया, वो डालना भूल गए थे ना, साथ में लेना अब याद आया तब इसमें डाल दिया। और उसके बाद सबको अच्छे से मिक्स कर लिया और विसल लगा ली इसको ना हाई फ्लेम पर। 6 सीटियां लगाई हैं कुकर में, प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। उसके बाद इसको चेक कर लिया, अगर नहीं भी कर लिए तो आप एक दो विसल और लगा लें अपने हिसाब से, चेक करें। अगर पानी ज्यादा लग रहा है हाई फ्लेम पर कुछ टाइम और पका लें। और बाद में तड़के के लिए करना है क्या है ना, छोटी प्याज लेनी है, उसको फाइन चॉप करना है, लाल साबुत मिर्च को बीच से तोड़ लेना है और थोड़ा सा जीरा लेना है। बस इस सबको डाल के ना प्याज जब तक लाइट ब्राउन नहीं हो जाती तब तक इसको बढ़िया से लाइट ब्राउन कर लें हाई फ्लेम पर चलाकर। अच्छा, जैसे कि हम चना दाल बना रहे हैं, क्या आप क्या भी वैसे ही बनती है? आप लोग भी वैसे ही बनाते हो कमेंट में जरूर बताइएगा। प्याज देखिए यहाँ लाइट ब्राउन हो गया है, तो यहाँ क्या करना है, दाल को इसमें ऐड कर देना है। और सादी सी दाल है, देखो यहाँ बहुत मतलब ऐसा नहीं सूखी सूखी एकदम, बिल्कुल ये वाला आप ऐसे ट्राई करिएगा, सच में आपको पसंद आएगी। थोड़ा गीला रखना है और दली भी इतनी होनी चाहिए कि हाथ में लो और आराम से टूट जाए, थोड़ा सा भी प्रेस ना करना पड़े टाइट से ज्यादा, बस ऐसे लो, हल्का सा हाथ दब से दबाओ और वो फटाफट टूट जाए। इतनी गला लेनी है दाल। उसके बाद इसको ना 1-1.5 मिनट तक लो फ्लेम पर छोड़ दो और बाद में से गार्निश कर दो फ्रेश कटे हुए हरे धनिया से। आप यहाँ देख सकते हो, देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है और गर्म मसाले पड़े हुए हैं ना, उसकी खुशबू भी हरा धनिया डाल के इतनी अच्छी आ रही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कर लिएगा और कमेंट में बताइएगा, एक बार ट्राई जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और साथ में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।